नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पूर्व बसपा विधायक राजकुमार रावत मतगणना स्थल पर मौजूद होने पर अन्य प्रत्याशियों ने जताया विरोध। गोवर्धन एसडीएम से की शिकायत। गोवर्धन एसडीएम ने राजकुमार रावत पूर्व विधायक को मतगणना स्थल से किया बाहर। जिला पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान उस समय भारी हंगामा हो गया जब जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में परिसर के अंदर बिना पास और बिना अनुमति के घूम रहे पूर्व बसपा विधायक व अन्य लोगों को लेकर हंगामा हो गया। वहीं जिला पंचायत प्रत्याशियों का कहना है कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं पूर्व विधायक राजकुमार रावत, जिसकी शिकायत अन्य प्रत्याशियों ने गोवर्धन एसडीएम राहुल यादव से की। इस मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी कौन है। पूर्व विधायक राजकुमार रावत को मतगणना स्थल से मौके पर ही बाहर निकाल दिया। तो वहीं प्रदीप चौधरी का कहना है कि पंडित राजकुमार रावत पूर्व विधायक बसपा को दोगुना प्राप्त है, जबकि बिना अनुमति के वह मतगणना स्थल में घूम रहे हैं। तो साहब, अभी मतगणना स्थल पर कुछ हंगामा हो रहा था, क्या मामला था जरा बताएं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन नहीं, हिस्ट्री सीटर या किसी सदन का मेंबर या शासन से सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति किसी भी मतगणना में एजेंट नहीं बन सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक जो कि शासन से दो गणर सुरक्षा प्राप्त हैं, अपने प्रभाव में लेने के लिए मतगणना गड़बड़ी करने के लिए मतदेय स्तर पर एजेंट बन के आ गए थे। ये वो बहुत ही गलत है। मैं ऐसे गलत काम के लिए प्रशासन को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने अनुरोध किया था इन्हें बाहर निकाला जाए, तो शायद प्रशासन ने जानकारी करके उनको बाहर निकाला है। इस तरीके से गड़बड़ हो रही थी बिल्कुल। विधायक जी पूर्व विधायक के प्रभाव में टेबल नंबर 19 पर होने जा रही है, उससे मतगणना गड़बड़ी के चांस रहते हैं। टेबल नंबर 19 पर पहुंचा,